नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस आप देख सकते हैं, तो मैथ्स के सिलेबस में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि ये पूरा सिलेबस कहाँ से वो कवर कर सकते हैं। अलग अलग रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं, कोई NCERT बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो में एक PDF बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ये पूरा का पूरा 100% पूरा का पूरा ये सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ज्योमेट्री का दे रखा है शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें समझ नहीं आ रहा है कितना टॉपिक ज्योमेट्री का कवर करना है। बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री का टॉपिक होता है। नंबर्स का ये दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मेंटल, अर्थमेटिक, मीजरमेंट, लेंथ, वेट, ये सब चीज़ क्या है, तो ये सब आपको समझ आने वाला है। एक ही PDF में ये सब आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको PDF। वो यहाँ पर देखिए, NIOS के द्वारा ये PDF DLED के जो चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं। तो ये 504 ब्लॉक नंबर 2 है ये, ठीक है। तो इसमें मैथ्स का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अलग अलग यूनिट्स में ये डिवाइडेड है। तो पहली यूनिट में आपको ये नंबर एंड द ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ये सारा कवर हो जाएगा इसमें। काउंटिंग नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जो ऑपरेशन वगैरह। यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है नंबर्स का, डेवलपिंग सेंस ऑफ नंबरनेस, काउंटिंग ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स तक इससे कवर हो जाएगा यूनिट 1 से, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, इसका यूनिट नंबर 2 जब आएगा, ये वाला जो है यूनिट 6 है, जो 5-6 ऐसे चल रहा है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, तो ये सब इसकी थ्योरी मिल जाएगी। अब आपको इसका मतलब ये नहीं है इससे पूरा पूरा पेपर निकल जाएगा, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा पढ़ना क्या है। अब सिलेबस में ये दे रखा है कि आपका जो करना है, प्राइमरी लेवल के तो आपके वो होंगे टॉपिक्स आपको देखने हैं, और उनको हाई लेवल पढ़ना है 12th level तक का। तो आपको एक बार टॉपिक पता चल जाए तो उसके बाद क्या है, आप उसके हाई लेवल के क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल के देख सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट था जो ज्योमेट्री का, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ये आपका यहाँ से हो गया। अभी बचता है हमारा मनी मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी और डेटा हैंडलिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अगली यूनिट्स में ये चीज़ें कवर होने वाली हैं, मेजरमेंट एंड मीजर्स एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखिए, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट, टाइम मैनेजमेंट, मेजरमेंट, ये सब यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में आप इस PDF से पढ़ सकते हैं आराम से। इस PDF का लिंक मैं अभी बताता हूँ कैसे मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगली यूनिट देखते हैं, तो इसमें डेटा हैंडलिंग, जिसमें आपको ये पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है यहाँ पे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, मीड, मीडियन, मोड, ये सारे के सारे आपको एक ही PDF में मिल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिलेबस कोई भी आप YouTube से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि क्या वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, इसी PDF में आपको एक चीज़ और मिल जाएगी। यहाँ पर आखिरी जो यूनिट है वहाँ एलजेब्रा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ डेटा हैंडलिंग, उसके बाद एलजेब्रा दिया हुआ है। तो एलजेब्रा अगर आप ध्यान से, एलजेब्रा भी काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, लाइक अनलाइक टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं, कोफिशियंट, पॉलिनोमियल वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप सिलेबस ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एलजेब्रा नहीं दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल एलजेब्रा नहीं दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको सही डायरेक्शन में डालनी है, फालतू की चीज़ों को इग्नोर करना है। और यही सिर्फ बहुत कम सिलेबस है मैथ्स का देखिए, अगर देखा जाए तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की बढ़ानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक पे करने हैं खाली, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। तो इस ये PDF आपकी, यहाँ तक ये एलजेब्रा से ऊपर वाली जो यूनिट है वो आपकी 157 पेज तक कवर हो जाएगी, ठीक है। 157 पेजेस में आप पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, बेसिक्स देख सकते हैं इसमें, और इसके हाई लेवल के क्वेश्चन आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इनके एक एक चैप्टर को कराने की, लेकिन अभी मैं CDP कर रहा था, तो CDP में मुझे NIOS के ये बुक्स के बीच में ये मिला, इसीलिए मैंने सोचा ये आपके काम का हो सकता है। इसलिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है आपका, आप अपनी स्पीड से जा सकते हैं सेल्फ स्टडी में, ठीक है। अगर आप इस पूरे को एक दिन में कवर कर सकते हैं तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो टीचिंग होती है उसमें क्या होता है, सभी बच्चों को लेकर चला जाता है, इसलिए स्पीड स्लो भी हो जाती है,
इसीलिए आपको सेल्फ स्टडी वालों के लिए ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब आप ये पीडीएफ ये सर्च कर सकते हो या तो NIOS 504 Block 2, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, दिग्विजय शर्मा एकेडमी, वहाँ पर मैं इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से क्या है पूरा सिलेबस देख सकते हैं। एक बार आपको सिलेबस पता चल जाए, टॉपिक्स पता चल जाए, अब देखिए यहाँ पर सिलेबस देख के आपको पता चल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये सब नहीं नज़र आ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए ये सिलेबस पता करना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए क्या नहीं पढ़ना है। आपको यूट्यूब चैनल देख के भी पता चल जाएगा कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो एक नज़र आपकी सिलेबस पे हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे मैं इसके CDP सेक्शन को कराने वाला हूँ, और ऐसी अपडेट्स के लिए दिग्विजय शर्मा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जिसको मैथ्स के सिलेबस को कवर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए। इसमें मैंने डिस्कस किया है कि KVS एस्पिरेंट कौन सी 5 गलतियां कर रहे हैं जो उनकी प्रिपरेशन को हैम्पर कर रही है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।